हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम विजिट करने वाले हैं इडरियागढ़ की और इडरियागढ़ दिखाएंगे पूरा और आपको भी हमारा ये नया ब्लॉग पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड, और आज की टीम के हमारा टीम मेंबर में एक विपुल भाई करके फ्रेंड जुड़े हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे और हम आपको पूरी अच्छी तरह इडरियागढ़ में जो जो देखने लायक जगह है वो अच्छी तरह दिखाएंगे। गढ़ के ऊपर ये जैनों का जैन देरासन दिखाएंगे और अंदर से फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखा देते हैं। वजेश्वरी इंगराज माता जी का और उत्तर की हनुमान जी का टेम्पल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि संतरी लखुमा तालाब यहाँ पे है, वो एकदम देखने लायक नज़ारा है, दिखाएंगे। लखुमाने या इडर की पावन धरती पे 60 साल सब्दी बाई की तरह आध्यात्मिक जीवन बिताया है। उसके चरणों में मुमुक्ष और संतों ने आशीर्वाद लिए हैं। और आप देख पा रहे हैं इंगराज धाम है, वो इंगराज माता का टेम्पल है यहाँ पे। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर अति प्राचीन। वज्रेश्वरी माता जी का मंदिर। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि पूरे मंदिर को सोने से सजाया गया हो ऐसा पेंट है, मतलब गेट पे ताला है। हम अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आप देख पा रहे हैं जैसे कि पूरा मंदिर सोने से सजाया गया हो, और भैरव दादा का मंदिर भी देख पा रहे हो। श्री राम भक्त हनुमान जी का उत्तर की दिशा में यही एक प्राचीन मंदिर है पूरे गुजरात इंडिया में। पूरे इडरियागढ़ पे यही एक दुकान है और सोडा शॉप, नाश्ता, नींबू पानी सब यहाँ पे ही मिलता है, बस पूरे इडरियागढ़। क्योंकि महादेव का मंदिर है और उसके सामने ही दरगाह है, आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे हजरत नवगजा पीर दरगाह दिखाएंगे हम आगे, पूरा एंगल दिखाने की कोशिश करेंगे आपको बारीकी से। रूठी रानी का महल दिखाएंगे आपको ऊपर जाके पूरा, और वो पर्वत की शिला पे बना हुआ है, वो उसका कोई नीचे आधार स्तंभ नहीं है। और अति प्राचीन महाकाली माता जी का मंदिर आ चुके हैं हम। लॉक है पर आपको जितना हो सके उतना दिखाएंगे, आप देख सकते हो। देख सकते हैं कि पूरी तरह सीढ़ियां नहीं है यहाँ पे, कुछ पत्थर है, कुछ सीढ़ियां हैं, बहुत ही मुश्किल रास्ता है, पर हमने आज सोच ली है कि जाएंगे ही, तो हम जा रहे हैं। और हमारे ब्लॉगर साहब आगे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं और यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, हम पूरे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, बादशाहों का गढ़ इधर। हेलो फ्रेंड, हम यहाँ हमारे ब्लॉगर विपुल भाई और दो फ्रेंड भी आ चुके हैं हमारा साथ देने के लिए गढ़ पे जाने के लिए। ये हमारे सब्सक्राइबर है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ से पूरा सिटी दिखाने वाले हैं आपको।
और हम हमारे फ्रेंड जो इधर के ही हैं वो थक चुके हैं, आधी मंजिल पे थक चुके हैं। हम आगे दिखाते रहेंगे और हम हमारे साथ जुड़ते रहें। अगर यहाँ से गिर गए तो समझो मर गए, खेल खत्म। खाई है एकदम खाई अंदर की तरफ, और गिर गए तो समझो गए काम से। ये हमारे संदीप भाई ब्लॉगर, हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ अब थोड़ी पास आ चुके हैं, पिलखड़े ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ का कुदरती सौंदर्य देख सकते हैं। भी पुलिस चौकी है साबरकांठा पुलिस की। और ये नीचे बिल्कुल नीचे है रानी तालाब, नजारा बहुत ही खूबसूरत। हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये भी दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो हम आखिरी मंजिल पे आ चुके हैं और हम आगे दिखाएंगे ये इडरियागढ़। आप कितना मुश्किल रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और ये जिस टाइम राजा महाराजा रहते हुए उस टाइम एकदम बढ़िया होगा, पर इस टाइम तो ये खंडर जैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम आपको बोल रहे थे ना कि ये वहां पे जाएंगे, यही जगह है वो। तो फ्रेंड्स, हम आखिरकार ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारे सभी फ्रेंड्स पूरी तरह थक चुके हैं, सांस फूल रही है सभी की। और यहाँ 360 एंगल दिखाने वाले हैं हम आपको, एकदम खूबसूरत बहुत ही सुंदर नजारा। ये इधर सिटी में अजान चल रही है अभी, सूरत हम यहाँ वापिस नीचे जा रहे हैं। विभाग ने यहाँ शांतिवन बनाया है, 69वां वन महोत्सव 2018 का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेस्टिवल मनाया गया। इडरियागढ़ की विजिट करते हुए हमारे यहाँ कुछ
काफ़ी पैसे मिले थे। तो आज हम यहाँ ब्लॉगिंग हमारा यहाँ ख़त्म करते हैं। तो फीडबैक के साथ हम पूछना चाहेंगे कि उसको कैसा लगा हमारे साथ। हमको इन भाई साहब के साथ बहुत अच्छा लगा, और इनकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।